नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटी यानी देश गबरू टैग में। मैं हूं हिंद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स की जो कि 20,000 रुपए के बजट में आते हैं। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, हम हर महीने टॉप 5 स्मार्टफोन्स की लिस्ट लेकर आते हैं। फिलहाल ये जो वाली लिस्ट है वो जून के हिसाब से चल रही है। मैं अब टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 10,000-15,000 की वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। तो इस लिस्ट का सबसे आखिरी यानी कि 5वां स्मार्टफोन है, वो है रेडमी नोट 7 प्रो। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें हमें 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी टाइप डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल्स है। बात करें फोन में प्रोसेसर की, तो 2GHz ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर, 6GB की रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज होगी, 256GB तक एक्सपेंडेबल माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए। बात करें फोन के कैमरा फीचर्स की, तो उसके रियर पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल, एलईडी फ्लैश के साथ में आता है। बाकी इसका फ्रंट यानी कि सेल्फी कैमरा में 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। फोन में 4000mAh की बैटरी होगी, क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अदर कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो वाईफाई, ब्लूटूथ, बॉल्टी के साथ साथ 3.5mm का ऑडियो जैक, फिंगरप्रिंट सेंसर, एफएम रेडियो। बाकी इसकी स्क्रीन पर हमें देखने को मिलता है गॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन। बात करें फोन की कीमत की, तो इसकी कीमत है 17,450 रुपए। अब इस लिस्ट का जो चौथा स्मार्टफोन है वो है ओप्पो F11 प्रो। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें हमें 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी टाइप डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल्स है। बात करें फोन में प्रोसेसर की, तो 2.1GHz ऑक्टा कोर मीडियाटेक हीलियो P70 का प्रोसेसर, 6GB की रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज होगी, 256GB तक एक्सपेंडेबल माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए। बात करें फोन में कैमरा फीचर्स की, तो उसके रियर पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल, एलईडी फ्लैश के साथ में आता है। फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4000mAh की बैटरी जो कि बूक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अदर कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो वाईफाई, ब्लूटूथ, बॉल्टी के साथ साथ 3.5mm ऑडियो जैक, फिंगरप्रिंट सेंसर, एफएम रेडियो। बाकी इसकी स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब इस स्मार्टफोन की जो कीमत है वो है 20,000 रुपए। अब जो तीसरा स्मार्टफोन है इस लिस्ट का वो है वीवो V15 प्रो। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें हमें 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी टाइप डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल्स है। बात करें फोन में प्रोसेसर की, 2.1GHz ऑक्टा कोर मीडियाटेक हीलियो P70 का प्रोसेसर, 6GB की रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज होगी, 256GB तक एक्सपेंडेबल माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए। कैमरा फीचर्स की बात करें, तो उसके रियर पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल, तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा भी हमें इसमें देखने को मिलता है। फोन में 4000mAh की बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अदर कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें, तो वाईफाई, ब्लूटूथ, बॉल्टी के साथ साथ 3.5mm का ऑडियो जैक, फिंगरप्रिंट सेंसर, USB OTG सपोर्ट के अलावा इसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अब इस स्मार्टफोन की जो कीमत है वो है 19,990 रुपए। अब जो दूसरा स्मार्टफोन है इस लिस्ट का वो है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A50। स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो इसमें हमें 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल्स है। प्रोसेसर की बात करें, तो 2.3GHz ऑक्टा कोर सैमसंग एक्सिनोस 7 का प्रोसेसर, 4GB की रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज जो कि 512GB तक एक्सपेंडेबल है माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए। कैमरा फीचर्स की बात करें, तो इसके रियर पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 25 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल और तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बाकी फ्रंट कैमरा की बात करें, तो 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। फोन में 4000mAh की बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अदर कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें, तो वाईफाई, ब्लूटूथ, बॉल्टी के साथ साथ 3.5mm का ऑडियो जैक, फिंगरप्रिंट सेंसर, USB OTG सपोर्ट के साथ साथ जो इसकी कीमत है वो है 18,490 रुपए। अब जो सबसे पहला स्मार्टफोन है इस लिस्ट का वो है Xiaomi की तरफ से पोको F1। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें हमें 6.18 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी टाइप डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2246 पिक्सल्स है। प्रोसेसर की बात करें, तो 2.8GHz ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6GB की रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज जो कि 256GB तक एक्सपेंडेबल है माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए। कैमरा फीचर्स की बात करें, तो उसके रियर पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप देखने को, जिसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल, एलईडी फ्लैश के साथ में आता है। बाकी भैया इसको जो फ्रंट कैमरा है वो हमें 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें, तो 4000mAh की बैटरी जो कि क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अदर कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें, तो वाईफाई, ब्लूटूथ, बॉल्टी के साथ साथ 3.5mm का ऑडियो जैक, फिंगरप्रिंट सेंसर, एफएम रेडियो के साथ साथ यूएसबी ओटीजी सपोर्ट और गॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अब इस स्मार्टफोन की जो कीमत है वो है 18,165 रुपए।
तो दोस्तों ये थे टॉप 5 स्मार्टफोन्स जो कि भैया 20,000 रुपए के बजट में आते थे। अब ये जो लिस्ट है वो जून के हिसाब से है। बाकी इन सारे स्मार्टफोन्स के जो स्टोरेज वेरिएंट्स है वो और भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन एक बार खरीदने से पहले इनकी कीमत चेक कर लीजिए, ऊपर नीचे होती रहती है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में यही थी कुछ जानकारी जो हमने आप साथ में साझा किया। अगर आपको कोई सवाल है सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो चली गई तो लाइक करें शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई पुरानी जानकारी मिलती है आपको इस चैनल पर अपनी खुद की भाषा हिंदी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।